हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चन्नी के किचन में। तो आज हम अपने किचन में आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ दो लौकी को बड़े साइज़ में काट लिया। अब हमने इसमें कुकर में एक कप पानी डाल के उबाल लेंगे। जब तक हमारा उबल रहा है तब तक मैंने यहाँ दो टमाटर और कुछ मिर्चा और लहसुन और अदरक लिए हैं, और मैंने यहाँ चार बड़े साइज के प्याज काट लिए हैं बारीक कटा हुआ। अब हमारा यह हो चुका है। अब हम इसे एक थाली में निकाल के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब यह हमारा सब हो चुका है। अब हम इसमें बड़े चम्मच से 3 चम्मच चने का बेसन ऐड करेंगे। आप तो चाहे मटर के बेसन का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे इसमें धनिया पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला और छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स किया, और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ जो मसाला लिया था उसको मैंने बारीक कटा हुआ काट लिया है। अब इसमें जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा खड़ा मसाला, 2 इलायची, काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची और दालचीनी। अब हम इसमें 1 छोटा सा प्याज भी मैंने बारीक कटा हुआ काट के रखा था उसको भी ऐड कर लेंगे और सबको जार में पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और मैं इसमें तेल डालने के बाद 5 फ़ोरन डाल दिया है। हमारा 5 फ़ोरन जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें भूनना है। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे 1 चम्मच, और मैंने यहाँ 2 से 3 तेज पत्ते डाले हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है हमें। अब मैंने जो जार में मसाला पीस के रखा था उसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला और 2 टमाटर काट के मैंने डाल दिया था। उसको मैंने हल्का सा पानी डाल के फूलने के लिए अपने मसाले को रख दिया था, उससे हमारा मसाले का फ्लेवर अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ 2 चम्मच नमक डाले हैं, मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने हल्का सा और ऐड किया है। अब हम इसमें 1 कप लगभग मैंने 1 गिलास पानी डाला है और हम इसे अच्छे से पका लेंगे। लगभग हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे, और हम इसे चलाते रहना ताकि हमारा नीचे जले ना। अब मैंने यहाँ 2 गिलास से बड़े गिलास लगभग पानी डाल दिया और हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तब तक मैंने यहाँ जो लौकी प्रेस करके रखा था, अब हम इसका सबसे पहले पकौड़ा बना लेंगे। मेरा यह मीडियम फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को रखा है, मेरा गरम हो चुका है। हम इसमें पकौड़े को डाल के तल लेंगे। मैंने यहाँ पे जितना हमारा तेल था उतना मैंने क्वांटिटी के हिसाब से पकौड़ा डाल दिया है, और हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे पका लेना है अच्छे से। अब हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ इसमें हल्का सा पानी और ऐड करके मैंने इसको पकाने के लिए रख दिए थे। अब ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैंने लगभग इसे डालने के बाद 15 मिनट पकाया। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।